सर्वछन्न स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावनगल चरणों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में अवस्थित पूज्यपाद के श्री चरणों में नमन। मंचासीन मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग अखिल नेपाल महाधिवेशन के दूसरे दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में बैठे हुए हैं। अपने मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के हेतु यहाँ पधारे हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं करेंगे, संतों की वाणी को नहीं सुनेंगे, नहीं विचारेंगे, तो अपने जीवन का जो कार्य है उन कार्यों में सार कार्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे। सार कार्य को समझने के लिए ही संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में सत्संग कीजिए। कोई जब बुद्धि में सारा सार का ज्ञान हो जाए, सारा सार ज्ञान समझ में आने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि परिमार्जित हो रही है, बुद्धि विवेकशील हो रही है। हम जिस संसार में रहते हैं, यह संसार कर्म भूमि है। इस संसार में आकर के कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रत्येक क्षण हम लोगों से कर्म होता है। उस कर्मों में दो ही कर्म बनता है, या तो जीवन में पुण्य कर्म बनता है या पाप कर्म बनता है। जिन लोगों से पुण्य कर्म बनता है तो उसे पुण्यात्मा कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, और जिन लोगों से पाप कर्म बनता है उसे पापात्मा कहते हैं। पुण्य कर्मों का फल सुख होता है और पाप कर्मों का फल दुख होता है। इनका विचार सत्संग में होता है। जीवन में प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ पाप और पुण्य कर्म होता ही है, और बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है। पाप और पुण्य दोनों कर्म हम मानव जीवन में जीवों के लिए बंधन माना गया है। अगर पुण्य कर्म करते हैं वह भी बंधन है, और पाप कर्म तो बंधन है ही। जिस प्रकार कोई लोहे के जंजीर में बंधा हो या लोहे सोने के जंजीर में बंधा हो, बंधन तो बंधन होता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है इस पाप और पुण्य कर्म से उठने के लिए। इसलिए गुरु महाराज जी बड़ा मजबूती से अपने वाणी में कहते हैं कि यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार। तो परिणाम क्या होगा? अगर परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परिणाम होगा कि कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। हम पाप और पुण्य दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है। हम लोग अभी रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे। भगवान राम लक्ष्मण सीता माता वनवास काल में है, गंगा नदी पार करके गुणसाध उनकी अतुचित सेवा सत्कार करते हैं। भगवान राम और सीता माता पत्तों की सैया पर सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी गुणसाध अलग अलग बैठ करके पहारा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान राम और सीता माता को पत्तों की सैया पर सोए हुए देख
गुणिसाद को बड़ा कष्ट हो रहा है। गुणिसाद लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, माँ के कई ने अच्छा नहीं किया, उनके कारण ही आज भगवान राम माँ सीता के दिन देखना पड़ा है। लक्ष्मण जी गुणिसाद से समझाते हैं कि भाई गुणिसाद, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू ने सुख दुख कर दाता, निजीकृत कर्म भोग सुनो भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुणिसाद जी, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगता है। भगवान बुद्ध अपनी वाणी में लिखते हैं कि मनुष्य की वर्तमान हालत उसके विचारों का फल है। हमारी वर्तमान हालत जो है वो हमारा बनाया हुआ है, हमने जैसा बना कर रखा है वही हमारे जीवन में आता है। जिसको भाग करते हैं प्रारब्ध कहते हैं, अच्छा बुरा जो भी स्थिति हमारी है वो हमारा बनाया हुआ है। तो जो पीछे अपराध बन चुका है वो तो बन चुका है, वो तो जीवन में आएगा, लेकिन वर्तमान समय हमारे आपके हाथ में है, और वर्तमान समय, वर्तमान जो कर्म बनेगा वही भविष्य हमारे सामने आएगा। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि वर्तमान समय को संभालना चाहिए। ये संसार है, वही सुन रहे थे, मिलना बिछुड़ना, जन्मना मरना, जितने भी है सब भ्रम के फंदे हैं। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये सब होता कैसे है? जब तक हम लोग की दशा अज्ञान दशा में रहेंगे, अज्ञान की स्थिति में रहेंगे, तब तक ये सब होते रहेगा। राधा स्वामी साहब लिखते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। जब तक नौ द्वारों के शरीर में हम आप रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे, तो भूल भाल होगी, ये स्वाभाविक है। जब तक अंधकार से अपनी वृत्ति को उठाएंगे नहीं, तब तक हमसे पाप और पुण्य होते रहेगा। ये संत महापुरुष समझाते हैं, इस मनुष्य के जीवन में आकर के हम लोगों को अंधकार से उठना चाहिए, अज्ञानता से उठना चाहिए, इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है। नहीं तो मोर रात्रि में सोते हुए हम लोग स्वप्न के संसार में जी रहे हैं। जिस प्रकार सपने होए भिखा निप रंग नागपति सोए, जब सपना में कोई राजा देखता है कि हम पर कोई चढ़ाई कर दिया है, हमारा राज कब्जा हो गया है, हम दरिद्र हो गए हैं, ये सब स्वप्न की दशा है, और दरिद्र इंद्र हो जाता है। लेकिन जगने पर न दरिद्र को कोई लाभ होता है, न राजा कोई हानि होता है। ठीक है, संसार में हम लोग स्वप्न के संसार में रह रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुषों का ऐसा ऊंचा ज्ञान है, इस ज्ञान को ठीक ठीक जीवन में समझ लेंगे और अपने कुछ अंधकार से उठने का अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो हम लोग पाप उनसे उठ जाएंगे, कर्म मंडल से उठ जाएंगे, फिर कर्म का फल जीवन में भोगना नहीं पड़ेगा। यही समानुकूल आपकी सेवा मैंने की। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।